हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके अपने सोल में छुपाना और आज हम करने जा रहे हैं नवंबर मंथ की जनरल रीडिंग 2022। 12 राशियां, 12 राशियों के लिए अलग अलग रीडिंग होगी और हम उसमें आपको बताएंगे कि टैरो कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, वेल्थ, हेल्थ एंड लक मीटर, ये सब आपके पिटारे में क्या लेके आ रहा है। टैरो कार्ड्स के जरिए हम लोग ये जानेंगे। आप कैसे देख सकते हैं अपना राशिफल? वैसे तो हर बार जिस राशि को आप फॉलो करते हैं उसी को आप फॉलो करिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना राशिफल देखिए, ठीक है। और अगर आप लग्न कुंडली के चार्ट के अकॉर्डिंगली देखते हैं, जो भी आपका लॉर्ड है उनके अकॉर्डिंगली देखते हैं, या चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली देखते हैं, नाम राशि से देखते हैं, या फिर आप अपना वेस्टर्न ज़ोडियक साइन से देखते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि आप कंपैटिबल फील करते हैं उस तरह से आप अपना राशिफल देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है, कई बार पूरी तरह रेजोनेट करती है, कई बार पूरी तरह रेजोनेट नहीं करती है, क्योंकि हर किसी के सिचुएशन अलग होती है और हर किसी के जो है प्लैनेट्स जो है अलग अलग बोली उनके लग्न चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो है स्थित होते हैं और वो रीडिंग अलग होती है। लेकिन यस, टैरो कार्ड्स भी हमारे एस्ट्रोलॉजिकल बोली बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेने हैं और कैसे अपने मंथ को या जो भी कमिंग टाइम है उसको कैसे आपको डिजाइन करना है, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है, हम बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो चाहते हैं हमारी जिंदगी में वैसा ही होता है। तो ये आपके गाइडेंस के लिए है, आप इसको देखकर अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशिफल कमिंग 30 डेज नवंबर 2022 के लिए। कर्क राशि वाले कैंसेरियन, देखते हैं कमिंग नवंबर 2022 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसेरियंस के लिए, उनके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड। बहुत ज्यादा जो है मटेरियलिस्टिक रहने वाले हैं और फाइनेंसिस के बारे में बहुत सोचने वाले हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, नई बिजनेस डील्स होने वाली हैं और जहां पे आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आप अच्छा बिजनेस करेंगे और जो भी आपके डिसीजन होंगे वो काफी सोच समझ के और परमानेंट पुख्ता अपने डिसीजन लेने वाले हैं। अपने आप को आप एक, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट होता है और अर्थ एलिमेंट मजबूती के लिए माना जाता है, धरती माँ स्ट्रांग होती है। तो आपकी जो ये कमिंग मंथ है, ये जो नवंबर का मंथ है, ये आपको स्टेबिलिटी ला के देगा, आपको एक पुख्तापन ला के देगा, आपकी एक व्यक्तित्व में, एक पर्सनालिटी में एक जो है ना एक ऑथेंटिसिटी लाएगा, जिससे कि लोग बहुत प्रभावित होंगे। एलर्जी से बचना पड़ेगा आपको, स्किन एलर्जी से, डस्ट एलर्जी से बचना होगा। और जो है जब भी आप कुछ डस्ट का काम करें तो अपने हाथ को, अपनी बॉडी को सैनिटाइज आप जरूर करिएगा। फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, गेन्स होने वाले हैं और रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके फायदे का पर्सन होगा आप उसी से बात करेंगे, बाकी किसी से बात नहीं करेंगे। बस यहीं पे थोड़ी सी जो है कमी छोड़ रहे हैं आप, जो आपके फायदे का पर्सन है उसी से बात करना भी कहां तक सही है। तो सबको इक्वली आप अटेंशन दीजिएगा, सभी आपकी जो है तवज्जो के ये वेट कर रहे हैं, तो आप सबको जो है इक्वली ही ट्रीट करिएगा और रिलेशनशिप में पुख्तापन रहेगा, ऑथेंटिसिटी रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स होने वाले हैं। जिसके अगर कोई नया फ्रेंड बन भी गया तो उसके साथ भी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होने वाला है। तो ये जो कमिंग मंथ है काफी अच्छा है। आपकी जो है बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, और कोई नया व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो भी खरीद सकते हैं। तो ये आने वाला मंथ आपके लिए बहुत ही
बेहतर है। अगर हम आपके लिए देखें कि आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं, तो आपके लिए एंजल कह रहे हैं टीचर, जो भी आपके गुरु हैं उनसे जरूर आप एक बार सलाह करिएगा, या जिसको भी आप मानते हैं, किसी को मेंटर मानते हैं या कोई भी आपके बड़े हैं, तो उनसे सलाह करके ही आप आगे अपने कोई भी निर्णय लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था हमारा कर्क राशि वालों के लिए। आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट हुआ हो, तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा इसमें आपको और क्या क्या जानना चाहते हैं, तो वो भी हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे उसके लिए भी। तो अभी के लिए हम आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।